तो ये टोटल कितने रिफ्यूजल लेके आई है थी? सर सेवन। सेवन सी है ना? हाँ जी सर। देखो पहला ए सीरीज से देने लगा था नियर रिफ्यूजल है ना। हाँ जी सर। अभी 2021 जनवरी से फिर अक्टूबर से आई इदा ही है ना। हाँ जी। 28 अप्रैल नू जिहड़े जिहड़ा इहदे विच गैप रहा वह गैप ही रहन दिता इन सारा? हाँ जी सर गैप ही सीगा। फिर अगस्त 2022 से आई थी है ना। हाँ जी। नवंबर 28 वाली है। हाँ जी सर। हाँ 22 से आई थी सितंबर दी है ना। हाँ जी। उस तो बाद 14 अप्रैल नू आई हुई है ना। आ लास्ट रिफ्यूजल आई थी सातवीं है ना। ये होना है वीजा आ गया सर। थैंक यू सर। आज मेरा 7 रिफ्यूजल तो बाद च वीजा आया। किहो जिहा महसूस हो रहा? बहुत वधिया महसूस हो रहा। किहो जी स्टोरी रही तुहाडी, किवें रिफ्यूजलां लगियां, की गलबात सी? सर 3 साल हो गए सी ट्राई करदिआं नूं, बस रिफ्यूजल्स ही आई जा रहीआं सीगीआं। रीज़न भी कुछ नहीं सी कि तुसीं वापस नहीं आना, कुछ कि तां एजेंट्स की गलती सीगी कि वह फाइल ही नहीं सी प्रॉपर लगा रहे। फिर एक दिन इदी मेरे सिस्टर इन लॉ ने मैनू इंस्टा ते पेज शेयर किया सर का, ई प्लैनेट दसूआ वालिया का। फिर मैं इतने विजिट किया तो सर ने मैनू बहुत मोटीवेट किया कि नहीं तुसीं फाइल लगवाओ, तुहाडा वीज़ा असीं लैके देवांगे, भी सिर्फ तुहाडी फाइल्स दे विच ही कुछ गलतियां उन्हां नूं सुधार के असीं वीज़ा लै सकते हाँ। फिर मैं सर तो फाइल अप्लाई करवाई तो विद इन 15 डेज़ मेरा वीज़ा आ गया। तो अज मैं बहुत खुश हाँ क्योंकि 3 साल बाद मैनू ये खुशी मिली आ। सर मैं यही कहना चाहूँगी कि सानू हौसला नहीं छड़ना चाहिए। मेरे फैमिली ने भी मैनू बहुत सपोर्ट किया, मेरे हसबेंड ने मैनू बहुत सपोर्ट दी आ, उन्होंने भी यही कहा कि नहीं हौसला नहीं छड़ना। बाकी कई एजेंट्स ने मैनू कह दिता कि तुम हम बैन लग जाना, तुम अपना ना लगवायो वीज़ा, बट रणवीर सर कहते नहीं आप ट्राई करा भी वीज़ा ही आऊगा। फिर फाइनली अज मेरी PPR आ गई आ जी। बिल्कुल अज साडे एक स्टूडेंट का 7 रिफ्यूजल्स तो बाद वीज़ा आया है और बड़ा ही अपसेट जी प्रोफाइल कह सकते हैं कि ऑलरेडी 7 रिफ्यूजल होनी और एक बिग चैलेंज सीगा कि 8वीं बार जो वीज़ा किदा आएगा। सो जो स्टूडेंट आया वो प्रोफाइल में प्रॉपरली स्टडी किया गया, जो भी वो कमियाँ सू फुलफिल करके तो आप जो वीज़ा लिया। और नॉर्मल गल है कि चाहे तुम फर्स्ट अटैम्प अप्लाई कर रहे हो, चाहे दूजी बार, चाहे चौथी बार अप्लाई कर रहे हो, तो अगर तुम्हारी फाइल सही है तो एम्बैसी जी वीज़ा तुम्हें जरूर दिंदी है, तो रिक्वायरमेंट में जरूर फुलफिल करना पैदा है। कई बार बच्चे हौसला छड़ जाते हैं 1-2 रिफ्यूजल तो बाद, तो उन्होंने की कहना चाहोगे? देखो हौसला नहीं छड़ना चाहिए बच्चे, सब तो पहला तो ये देखना चाहिए कि वह किस एजेंट को अप्लाई कर रहा, उन्हें किन्ना का एक्सपीरियंस है, किस तरह के उन्होंने पहला रिजल्ट है कि जेन्युइन प्रोफाइल से वर्क कर रहे, वीज़ास आ रहे नहीं आ रहे। एक हौसला छड़न तो पहला बच्चे नूं प्रॉपरली वधिया तरीके दे नाल ट्राई जरूर करना चाहिए। जेकर कोई इस तरह का बच्चा है तो वह किहो जिहा किवें संपर्क कर सकता? साढ़े नाल अगर संपर्क करना उस बच्चे ने साढ़े डायरैक्टली ऑफिस के दसूआ ई प्लैनेट दसूआ के जो मर्जी विजिट कर सकते 9 to 5 के बिटवीन, और आप जो उन्होंने प्रोफाइल उपर प्रॉपरली वर्क करांगे। ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਕੈਡਮੀ ਈ ਪਲੈਨਟ ਆਇਲਸ ਐਂਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਸੂਆ, ਜਿੱਥੇ ਆਇਲਸ ਅਤੇ PTE ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟੱਡੀ ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀਜ਼ਾ। ਮਿਲੋ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਪਰਟ ਰਣਵੀਰ ਅਰੋੜਾ ਨਾਲ।